अंबाला शहर में देर रात से हो रही तेज बारिश के कारण अंबाला की सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पानी निकासी न होने के कारण अंबाला की गलियां और सड़कें तालाब बन जाती हैं। प्रशासन हर बार दावे जरूर करता है कि जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, लेकिन थोड़ी देर की बरसात से ही प्रशासन के सभी दावों की पोल खुल जाती है। यहाँ सर ये रोज का ये सिस्टम बना हुआ है, कभी रास्ते बंद कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, एक जगह सिस्टम बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, हम तो बड़े चले जाते हैं लेकिन बच्चों को दिक्कत है सर आने जाने में। दोनों तरफ से रास्ता बंद है, उस तरफ से भी बंद है, इधर से तो हर बार चल रहे हैं, कुछ इतनी की बात हो जाए, किसी का बच्चा घर के कुछ बात हो जाए, क्या रह जाएगा बताओ, छोटी सी बात है। जरा बारिश वैसी भी सर यहाँ रास्ते टूटे हुए हैं जी, कभी यहाँ तोड़ दिया, कभी वहाँ तोड़ दिया, अच्छे से साल साल पाँच पाँच साल हो गए उठे, रास्ते ठीक नहीं हो रहे। इस रोड पर जाकर देखिए मच्छी वाला रोड जाकर बिल्कुल पानी भरा था, पानी बच्चों निकल स्कूल से जा सकते ना सकते, कुछ नहीं है, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। दोनों तरफ से बंद है, उधर रेलवे फाटक जो क्रॉसिंग ऊपर बन रहा है पुल, वो भी कई साल से बंद है, इधर से भी बच्चे रॉन्ग साइड को जाते हैं, तो आने वाले टाइम में बड़ी दिक्कत आ सकती है। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, जिसके चलते ही खरीदारी के लिए अंबाला के बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं आम जनता को इस भीड़ से निजात दिलाने के लिए अंबाला ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इन व्यवस्थाओं के पहले अंबाला के व्यस्त चौकों पर भारी ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस भी फंस जाती थी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अंबाला के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की ज्यादा तैनाती कर दी गई है ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। कि अंबाला वासियों को, अपने प्रदेश वासियों को, देश वासियों को जितने भी त्यौहार है, क्योंकि त्यौहार का महीना चल रहा है, सबको हमारी पुलिस, हरियाणा पुलिस और अंबाला पुलिस की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरी बात, आपका बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही त्यौहार आते हैं तो बाज़ारों में हलचल काफ़ी हो जाती है, लोग काफ़ी शॉपिंग के लिए निकलते हैं। इस मामले को देखते हुए हम लोग जो हमारी अंबाला पुलिस है उसमें जो ड्यूटियाँ हैं उनको अच्छे से ब्रीफ कर दिया और प्रॉपर तरीके से हमारी ड्यूटियाँ लगी रहेंगी, जिससे हमारी PCR राइडर्स सब प्रॉपर तरीके से राउंड द क्लॉक कार्य करती रहेगी। और जो यहाँ की पब्लिक है अंबाला की, उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी जब भी वो बाहर निकलते हैं, अपना कोई भी व्हीकल लेकर निकलते हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो जब मार्केट में जाते हैं तो उसकी पार्किंग जो है आप प्रॉपर तरीके से करें और तरीके से गाड़ी को लगाएं, जिससे कि दूसरे ट्रैफिक को आने जाने में कोई असुविधा ना हो और पुलिस भी अपना कार्य है अपने। गुरुग्राम 2012 में मारुति के मानेसर मामले को लेकर मारुति वर्कर दो दिवसीय भूख हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में कंपनी यूनियन का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल में हरियाणा सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी मैनेजमेंट के पक्ष लेकर मजदूरों पर दमन नहीं चलाया है। ऐसे में हमने फैसला लिया है कि हम न्याय के लिए संघर्ष को एक बार फिर से सड़कों पर उतारेंगे और इसी मुहिम को अपने और अपने साथियों के साथ अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। जैसे सभी को पता है कि वर्ष 2012 में मारुति में जो हिंसात्मक घटना हुई थी, उसका सहारा लेके मैनेजमेंट ने 540 स्थायी श्रमिकों को और 1800 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को निकाल दिया था। तभी से लेके आज तक आंदोलनबद्ध तरीके से सभी श्रमिक लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें काम पर वापस लिया जाए, क्योंकि जो सभी बर्खास्त मजदूरों को निकाला है वो बिना किसी घरेलू जांच के निकाला है, डोमेस्टिक इंक्वायरी के निकाला है। मैनेजमेंट ने एक ही कलम से, एक ही दिन में 200 कॉन्फिडेंस का सहारा लेके सभी को बर्खास्त कर दिया और तब से लेके आज तक अलग अलग तरीके से हम सभी बर्खास्त मजदूर अलग अलग सरकारों से अपील करते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे भाजपा सरकार रही हो। कांग्रेस सरकार से एक उम्मीद थी कि इन्होंने ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, सरकारी का भी समर्थन था पूंजीपतियों के साथ में, लेकिन एक उम्मीद थी कि जो ये देश में बदलाव हो रहा, जितना जोर शोर से बदलाव का नारा दिया गया, बोला गया कि श्रमेव जयते मजदूरों। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने समेत तमाम मांगों को लेकर नगर निगम के 61 कर्मचारी निगम मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 19 और 20 तारीख को वो काम बंद करेंगे और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा कि दिवाली का त्यौहार है, इसलिए वो हड़ताल पर जाना नहीं चाहते, लेकिन सरकार को उनकी बातें माननी पड़ेंगी। देखिए, भूख हड़ताल पर जो आज बैठे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की पालिका परिषद निगमों के 90 पालिकाओं के कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर हैं और ये जो बैठे हैं, आज सरकार लगातार
जो पालिकाओं के परिषदों के निगमों के कर्मचारी हैं, चाहे वो तृतीय श्रेणी के या फोर्थ क्लास के या फायर का कर्मचारी है, उन सभी कर्मचारियों का सरकार जमकर शोषण कर रही है। हमारी कई दौर की वार्ता सरकार से हुई है। तत्कालीन विभाग के जो हमारे मंत्री थे आदरणीय अनिल विज जी, उनसे हमारी मुलाकात 25 अप्रैल 2020, 17 अगस्त 2020 को हुई, और जो वर्तमान में अब हमारे विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनसे भी 10 मई और 28 जून को हमारी बात हुई। और जो पालिकाओं के तमाम कर्मचारियों की मांगें हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने की, कहें और जो पीएफ ईएसआई काटी जा रही है उसको खाते में जमा करने की, क्षेत्रफल आबादी में अनुपात में भर्ती करने की, फायर विभाग के जो 1366 कर्मचारी उनको समायोजित करने की, तमाम मांगों पर जो हमारी 16 सूत्रीय मांगें, तमाम मांगों पर हमारी सहमति हुई है। लेकिन सरकार का बड़ा दोहरा चरित्र है कि सरकार मांग तो मान लेती है लेकिन मानने के बाद उन पत्रों को लागू नहीं करती है। हम लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी कोई एक बात नहीं सुन रही, इसलिए मजबूर होकर के नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने ये आंदोलन दिया है और हम 4 अक्टूबर से लगातार आंदोलन पर हैं और इसी संदर्भ में आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भूख हड़ताल जारी है। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गरीब कर्मचारियों के आप मांगों की अनदेखी कर रहे हो, मानने के मांग पत्र जारी नहीं कर रहे हो, इसको आप तुरंत प्रभाव से पत्र जारी करें, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आगामी तीखा आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की। रेवाड़ी में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक स्क्रैप व्यापारी से 2.5 लाख रुपए की लूट की और मौके से फरार हो गए। व्यापारी द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात दिल्ली रोड पर पुलिस लाइन के पास की है। फिलहाल सदर थाना पुलिस घायल व्यापारी के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। सुबह जी घटना हुई, अपने जो है अपने ये चचेरा जो अपने ये कबाड़ा स्क्रैप का काम करता है, स्क्रैप वगैरह लेता है ये अपने तांबा वगैरह में, तो उसको गड़ाई करके ऐसे ऐसे काम करता है। तो ये अपने सुबह 4 बजे यहाँ से जैसे निकला तो उसके पास पैसे थे और ये पैसे वैसे लेके अपने दिल्ली जा रहा था। अपने जो ड्राइवर जो हर साल जो साल भर से इसी के पास काम करता है, तो ये जब भी जाता है इसी ड्राइवर को ले जाता है। और हमारा अपना मानना चल रहा है कि भैया भी ये ड्राइवर का भी इनोवल जाहिर हो सकता है और इनके पुलिस आगामी कार्रवाई करके इनके 2.5 लाख के समथिंग बताए, बाकी जैसे बताए 2.5 लाख के आसपास समथिंग थी। लूटने वाले लोगों का तो पता होता, तो ये लूटने वाले तो अनभिज्ञ आदमी थे जो मुँह का कपड़ा बांधे हुए बता रहे थे, 2 बाइक पर सवार, और उन्होंने आगे इनकी जेब से निकाल दी और जो ही इसकी तलाब मिली तो पुलिस तुरंत प्रभाव से वहाँ मौके पर दलबल के साथ फटाफट पहुँच गई और यहाँ पर टीम गठित कर रखी जो आप अपनी कार्रवाई में व्यस्त हैं और हम जल्दी इसका रिजल्ट पॉजिटिव देंगे। दर्ज किया मामला 379 का किया जाए उसका, और इसमें हम आगामी कार्रवाई जल्दी आपको बताएं। हाँ, इसको चक्कू वगैरह से भी वार किया है मैंने हाथ पर, तो चक्कू वार किया तो उसमें टक्के भी आए हैं, 5-4 टक्के भी आए हैं। तो हाँ यस, देखो इसमें तफ्तीश जो चल रही है, जो पूछताछ जो चल रही है उसके मुताबिक जो पुलिस अपनी बस एक पर तैन कर रही है, बाकी इसका रिजल्ट हो सकता है पॉजिटिव देंगे जल्दी। सत्य सटीक बेबाक।